प्लेसमेंट सफाई सुपरवाइजर का कॉलर पकड़कर उससे मारपीट करने वाले की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने सोमवार सुबह छावनी थाने में किया प्रदर्शन। गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में सफाई कर्मियों ने आंदोलन का विस्तार करने की बातें कही। छावनी थाना में एकत्र होकर प्रदर्शन करते ये हैं नगर निगम में ठेका सफाई कर्मचारी, जो बैकुंठ धाम कार्यालय में पदस्थ सफाई सुपरवाइजर सुरेंद्र गेंडे से मारपीट करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सफाई सुपरवाइजर से मारपीट की जानकारी मिलते ही अनेकों सफाई कर्मी छावनी थाने में एकत्र हो गए, जिनका कहना है कि जब सफाई सुपरवाइजर ही सुरक्षित नहीं है तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा। सफाई सुपरवाइजर सुरेंद्र गेंडे और अन्य श्रमिकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं वार्ड सुपरवाइजर सुरेंद्र कुमार गेंडे, वार्ड 33 का सफाई सुपरवाइजर हूँ। मेरे कल की बात है, ये एक वार्ड का एक है बंदा अनवर नाम का, वो मेरे कर्मचारी को बोला कुछ काम है कर दो। तो कर्मचारी बोला कि भाई सुपरवाइजर को एक बार बता दो, मेरा कुछ काम में जा रही हूँ, तो वो करवा देंगे काम। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें उसका बाप बोल रहा हूँ, तू काम कर। तो वो कर्मचारी मेरे पास आके बताए ऐसा ऐसा बात है, आपको ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो मैं उनको फ़ोन लगाया, मैं पूछा भाई क्या हो गया, क्यों ऐसा बोल रहा है भाई। तो बोलता है मैं ऐसा बोलूँगा, और कहाँ पर है तू बोलता है। मैं बोला ऑफिस में हूँ। तो ऑफिस में आया और फिर मैं पूछा दोबारा कि क्यों ऐसा बोला बोलते। तो बोलता मैं तेरा बाप हूँ, जो करना कर बोलता। फिर उसी बात में वो मारपीट करना चालू कर दिया और मेरे को भी बहुत मारा। और मार के जाने के बाद बोल जाते जाते बोला कि 5 साल तक मेरा कुछ नहीं। कुछ कबाई बातें इस तरह ये कि जो भी हम लोग के साथ वारदात हो रहा है, ये सब हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सफाई कामगार नगर निगम संघर्ष है और जीतता ही रहेंगे, सबके लिए लड़ेंगे। आज सुपरवाइजर के ये कल किसी वर्कर के ऊपर भी हाथ उठा सकते हैं। क्या हम लोग को सिर्फ काम करने का ही अधिकार है और हम लोग के पीछे में कोई कुछ बोलने वाला नहीं है? ना आज कोई ठेकेदार आया हमसे मिलने, ना कोई निगम के कर्मचारी आए, ना निगम के कोई साहब आए पूछने के लिए कि आप लोग के साथ ऐसा क्या हुआ। कि हम लोग इतना गए गुजरे हैं कि हम लोग के लिए कोई बात भी नहीं कर सकते। सर आज तो सुपरवाइजर ऊपर उठा दिया, कल लेबर ऊपर भी उठा सकता है। शुरू से रूल है, बैकुंठ धाम का रूल है ये, बिगर गाली दे सुपरवाइजर से बात करते हैं ना, लेबर से बात करते हैं। हम लोग काम करने आते हैं कि गाली सुनने आते हैं? ईमानदारी सब छक चलते आते हैं हम ही लोग, काम करते घर बैठे सुविधा देते हैं। क्या हम लोग को ऊपर हाथ उठाया जाते? भाई कहाँ का नहीं आओ, कहाँ का इंसाफ मिलता है? आज तो सुपरवाइजर ऊपर उठा दिया, कल लेबर, बिगर गाली दे बात ही नहीं होता है। तो आज तो सुपरवाइजर कल लेबर ऊपर आएगा, क्या करेंगे हम लोग बताओ। बहरहाल इस घटना के बाद से सफाई कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है, वहीं पुलिस ने भी इस संबंध में अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।